never made it, but I know. Hey guys, welcome back to my channel Style Classy. How are you all? Friends, आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ अपने बालों पर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. वैसे मैं पहले भी लगा चुकी हूँ बट मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा मैं क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों की कुछ हेल्प कर देती हूँ, अगर आप लोगों को हेल्प मिले तो. मैं एक्चुअली अपने बालों को कलर करने वाली हूँ घर पर ही, एंड जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का कलर नेचुरल्स क्रेमरिज, जिसमें कि मेरा शेड है 3.16 बर्गंडी. एंड ये परमानेंट हेयर कलर है जो कि 8 वीक्स तक कलर को लॉक करके रखता है. अमोनिया फ्री है, इसमें अमोनिया नहीं है, एंड 3 ऑयल्स हैं इसमें. इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, एंड इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी. आपको ये डेवलपर मिलेगा, इसके अलावा आपको ये एक ट्यूब मिलेगा. मैं एक्चुअली मिक्सचर बना चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए ये कुछ इस तरह से मैंने कर दिया. आपको ये ट्यूब मिलेगा, एंड आपको एक ये पैकेट टाइप का मिलेगा. इसको ओपन करेंगे तो ओपन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या है. इसको ओपन करेंगे तो हमें इसमें ये ग्लव्स मिलेंगे, कंडीशनर मिलेगा, एंड एक ये लीफलेट मिलेगी. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं अपने बालों पे कलर, तो आप ये लीफलेट को पूरा प्रॉपर पढ़ लें, सारी चीज़ें जान लें कि कैसे यूज़ करना है. एंड फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें 24 आवर्स के लिए. आप थोड़ा थोड़ा सा कलर एंड डेवलपर लेकर के आपके कान के पीछे यहाँ पे लगा लें. अगर आपको कुछ इरिटेशन नहीं होता है तभी आप इसे अपने बालों पर लगाएं. ये आपको कंडीशनर मिलेगा इसके साथ में. तो पैकेजिंग मैंने आपको बता दी है इस तरह की है, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ 180 रुपीज़. ये छोटे में भी आता है, उसका प्राइस आई गेस कुछ 80 रुपीज़ समथिंग है. इसके अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 27 जुलाई 2019 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है. एक्सपायरी डेट है 26/4/22, यानी कि 2021-22 कुछ 3 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो रहेगी. यहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स दिए गए हैं हाउ टू यूज़, तो आप इसको देख सकते हैं, लीफलेट पढ़ सकते हैं, एंड यहाँ पे सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं. आप सारी चीज़ें जब भी आप लगा रहे हो सारी चीज़ें पढ़ लो, उसके बाद ही आप इसे लगाएं. तो हम जल्दी से इसे बालों पर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू भी शेयर करूँगी कि बालों पर कलर कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है. अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए मेरे बालों का कलर कुछ इस तरह से. मैंने हाईलाइटिंग वगैरह कराई थी काफ़ी टाइम पहले, कराई थी कुछ 1.5 साल अप्रॉक्स हो गया होगा, तो अभी मेरे बालों पे कोई ऐसा कलर वलर नहीं है. तो हम जल्दी से एक डेमो कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, कलर लगाने के लिए अपने बालों को इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एंड आप मेरा बिफोर का देख सकते हो कलर कुछ इस तरह का है. ये नेचुरल लाइट में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ ब्राउन सा. कलर लगाने के बाद भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि क्या चेंजेस हुए. आप चाहो तो 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो बालों को, तो हम 4 पार्ट्स में ही डिवाइड कर लेते हैं, एंड अब अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने से पहले ग्लव्स पहन लेते हैं वरना हाथों में कलर लग जाएगा. तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1 पार्ट में यहाँ पे और बाकी आधा सेक्शन लेके मैंने यहाँ पे क्लचर लगाया हुआ है. एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप कलर लगा रहे हो तो आप ये पेट्रोलियम जेली आपके हेयर लाइन पर लगा लीजिए, ताकि अगर गलती से कलर आपके स्किन पे लग भी जाए तो कलर वहाँ पे चढ़ेगा नहीं. तो आप आपके हेयर लाइन पर और ईयर पे चाहे तो आप ऐसे नहीं लगा सकते. एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं ईयर पर लगा लेती हूँ पीछे साइड भी, एंड क्योंकि कलर कभी कभी ऐसा होता है कि लग ही जाता है, तो वो शेड आपके स्किन पे नहीं चढ़ेगा. इस तरह से हल्का हल्का सा आप लगा लीजिए, देन फिर हम पहनेंगे ग्लव्स. इस तरह के आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, 2 ग्लव्स को पहन के आप कलर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिए,
एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये एक्चुअली पहले से ही मिक्सचर बना लिया था, कलर कुछ इस तरह से आया है। हम इसको धीरे धीरे से अप्लाई करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये इतना, मैंने एक्चुअली पूरा पैकेट ही एक ही बार में मिक्स कर लिया है। रीज़न थिंग कि मैं इसके दो कोट लगाने वाली हूँ, मैं एक कोट पहले लगाऊंगी, फिर मैं हेयर वॉश करूंगी एंड जब मेरे बाल सूख जाएंगे तो मैं दूसरा कोट फिर से लगाऊंगी ताकि शेड अच्छे से आ जाए। एक्चुअली ये सजेशन मेरे को शॉप में ही दिया था, मैंने ये स्पेंसर्स से ख़रीदा है। आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या आप जहाँ से भी चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली मुझे खुद लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसके लिए अपनी मदर की हेल्प ली है। तो अभी मेरी मम्मी मुझे कलर लगाएंगी अच्छे से और जब ये प्रॉपर पूरे तरीके से लग जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो टिल देन बाय गाइस। तो मैंने कलर लगा लिया है और मैंने अपनी मदर की हेल्प ली थी एंड उन्होंने मुझे इस तरह से छोटे छोटे दो बन बना दिए हैं। आप चाहो तो एक पूरे बालों को लेकर के साथ में एक बन बना सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी भी मेरा इतना सारे क्वांटिटी में कलर जो है वो बचा हुआ है। मैंने सारा मिक्सचर इसलिए बना लिया था क्योंकि मुझे दो कोट लगाने हैं। रीज़न बिंग कि मुझे जिस जहाँ से स्पेंसर से मैंने लिया था उस लड़की ने मुझे बोला था कि आप अगर प्रॉपर कलर चाहते हो कि सेम ये वाला कलर आए आपके बालों को तो आप दो कोट लगाइएगा। तो मैंने सोचा एक बार मैं ट्राई करती हूँ कि दो कोट लगाने से क्या प्रॉपर ये वाला कलर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा कलर होता है तो प्रॉपर ये वाला कलर चढ़ता नहीं है एक बार में शायद। तो देखते हैं, लेट्स सी, दो कोट लगा करके देखते हैं। तो अभी मेरा ये पहला एप्लीकेशन है, इसके बाद मैं आफ्टर 35 to 40 मिनट्स के बाद अपने हेयर को वॉश करूँगी, देन फिर उनको सुखाऊंगी। जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाएंगे तो मैं एक कोट वापस से अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 40 to 45 मिनट्स के बाद। एंड ये टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप चाहे तो आपका मोबाइल यूज़ कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, आपका जो भी पेंडिंग काम है आप वो कर सकते हो। तो मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद, बाय। तो मैंने अभी अपने हेयर वॉश कर लिए हैं एंड मेरे हेयर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शेड आया है, इस तरह का कुछ शेड आया। अभी भी हल्का सा ब्राउन टाइप के हेयर मेरे बचे हुए हैं, प्रॉपर कलर नहीं चढ़ा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। बट अभी मैं दोबारा से एक सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी, सेकेंड लेयर कोट अप्लाई करूँगी जो मैं अपने लेंथ में मीन्स मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। फ्रेंड्स अभी दोबारा से मैं सेकेंड कोट अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हेयर पे एंड हे फ्रेंड्स, तो मैंने ये सेकेंड कोट भी अप्लाई कर लिया और मैंने जैसे कि ये इतना बड़ा वाला 70 ml का पूरा ही मिक्सचर बना लिया था, पूरा ही यूज़ किया है मैंने एक ही बार में। इवन मैंने दो बार में यूज़ किया है, दो कोट लगाए हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको मैंने ऊपर लगा लिया एंड आप सोच रहे हो कि मैंने कितने गंदे तरीके से लगाया। एक्चुअली मैंने प्रॉपर बन नहीं बनाया है, मैंने इस तरह से बालों को सेट कर दिया है। तो अभी मैं वेट करूँगी वापस से 40 मिनट्स, उसके बाद मैं वॉश करूँगी एंड इस बार जब पूरे तरीके से हेयर मेरे ड्राई हो जाएंगे तब मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखाऊँगी कि एग्जैक्ट क्या कलर आया है मेरे हेयर पे हेयर कलर का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने दोबारा से लगा करके अपने हेयर को ड्राई कर लिया है, नेचुरली ड्राई करे मैंने अपने हेयर एंड कलर आपको साफ अभी पता चल रहा होगा। अभी तो बाहर थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो मैं बाहर का आपको नहीं दिखा सकती नेचुरल लाइट में कैसा लगेगा, बट फिर भी अगर आप देखोगे ना तो कलर काफ़ी चेंज हो गया है, हल्की सी काफ़ी शाइन भी आ गई है। एंड अगर आप कम बजट में आपका लुक चेंज करना चाहती हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप हेयर कलर चेंज करके आपका लुक चेंज कर सकते हैं। एंड गार्नियर चूज़ करने का जो फ्रेंड्स गार्नियर का हेयर कलर चूज़ करने का रीज़न ये था कि गार्नियर अपना हेयर रेंज के कारण ही ज़्यादा फेमस है एंड इसमें अमोनिया नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लस ये 8 weeks तक हेयर कलर को लॉक करके रखेगा आपके बालों पे। तो काफ़ी वजह हैं जिस रीज़न से आप गार्नियर को चूज़ कर सकते हो। मुझे ये बेस्ट लगा, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, एज सच बालों को भी डैमेज नहीं करेगा। लोगों में ये मिथ होता है ना कि हेयर कलर लगाने से बाल डैमेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो,
गार्निएर हेयर कलर पे बेस्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय।